हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को शनिवार को पड़ने वाली त्रयोदशी यानी शनि प्रदोष की पूजा करके दिखाने वाली हूँ। ये प्रदोष व्रत त्रयोदशी की तिथि पर रहा जाता है। जिस तरह से एकादशी का व्रत रहा जाता है, उसी तरह से त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रहा जाता है। ये भी महीने में दो आती हैं, तो आप जमीन को स्वच्छ करके हमें चौक पूर कर चौकी या पटा बिछा लेना है और उसके ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा कर इस तरह से फूलों का या चावलों का आसन देकर शिव परिवार की फ़ोटो को विराजित कर लें। और फिर इसके बाद अब हम दीपक का पूजन कर लेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक का पूजन कर लेना चाहिए, दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। और अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो नहीं है तो आप खाली शिवलिंग का पूजन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। सूर्यास्त के लगभग 3 घड़ी पहले और 4 घड़ी बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं, और शिव जी का पूजन व्रत जब हम रखते हैं तो इसी समय में हमें करना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से शिवलिंग का अब हम गंगा जल से अभिषेक करके इसके बाद मैं पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहें तो 5ों चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से, शक्कर से। अगर आप 5ों चीज़ों से करा रहे हैं तो यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। पहले हमें उस चीज़ से अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक कराना है, फिर उस चीज़ से, फिर गंगा जल से। तो इसी तरह से हमें 5 बार करना होगा। और फिर इस तरह से आज शनि प्रदोष की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ मैं। तो आज के दिन आप सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक जरूर कराएं, बहुत फलदायी होता है। और इस तेल को हमें रख लेना है और पीपल के पेड़ पर इसका दिया जला लेना है। फिर इसके बाद ये देखिए, अब हम संतरे के जूस से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, इसके बाद फिर से गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे, और इसके बाद हम शिव जी का अंग पोषण कर लेंगे। इसके बाद संपूर्ण परिवार को इस तरह से हम गंगा जल का छींटा देंगे। इसके बाद संपूर्ण शिव परिवार का और समस्त देवी देवताओं का हम रोली चंदन से विधिवत पूजन कर लेंगे। और आप ध्यान रखें, शिव जी को रोली या कुमकुम का टीका नहीं लगाएंगे। शनि प्रदोष व्रत संतान सुख के लिए विशेष माना गया है, और हफ्ते में 7ों दिन जो प्रदोष पड़ते हैं उनके सबके 7ों दिन के अलग अलग फल होते हैं। ऐसा कथा पुस्तिका में भी वर्णित है, सारे व्रतों का अलग अलग फल है हर दिन का। और इस तरह से देखिए, अब हम पार्वती माता को भी सिंदूर समर्पित कर देंगे और शिवलिंग को भी अब हम त्रिपुंड लगाकर इस तरह से विराजित कर लेंगे। शनि प्रदोष का व्रत अगर सही तरीके से और नियम पूर्वक किया जाए तो निश्चित ही दंपति को बहुत ही जल्द शिव कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। और अगर दंपति दोनों ही इस व्रत को जोड़े से रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये देखिए, इस तरह से हम गणपति जी को दूर्वा और लाल पुष्प समर्पित कर देंगे, शिव जी को सफ़ेद पुष्प, पार्वती माता को लाल पुष्प और भगवान कार्तिकेय को पीला पुष्प इस तरह से समर्पित कर देंगे। अगर कोई दंपति संतान सुख की कामना से इस व्रत को कर रहा है तो उसे गाय की सेवा जरूर से करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो गौशाला में चारा दान कर दें या गाय को एक रोटी दे दें। और अगर आप व्रत रहते हैं तो इस दिन बच्चों को खिलौने जरूर से दान करें। इस तरह से देखिए, फिर हम भाववश रूप ही सभी को कलावा समर्पित कर देंगे, और गणपति जी को ये मैं जनेऊ अर्पित कर रही हूँ, शिव जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। और इसके बाद 3, 5, 7, 9 बेलपत्र इस तरह से शिव जी को समर्पित कर देंगे। बेलपत्रों में आप चंदन का टीका लगा लें और ये भांग समर्पित कर देंगे, आँख का फूल, आँख का पत्ता, ये सारी चीज़ें समर्पित कर देंगे। ये शिव जी की प्रिय चीज़ें हैं, तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो जाता है आप वो समर्पित कर दें। इसके बाद ये देखिए, सभी को हम सुगंध समर्पित कर देंगे, और ये पार्वती माता को थोड़ा सा श्रृंगार का सामान भी आप समर्पित करें, ज़्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ सिंदूर ही समर्पित कर दें। और फिर ये देखिए, शिव जी को सफ़ेद पुष्प समर्पित करेंगे। शनि प्रदोष पर काले तिलों का विशेष महत्व होता है, तो इस तरह से देखिए, अब हम कुछ काले तिल और कुछ समी पत्र शिव जी को समर्पित कर देंगे, और दूध से बनी हुई मिठाई, फल, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें समर्पित कर देंगे। आज के दिन आप पीपल पर सरसों के तेल का दिया जरूर से रखें, बहुत ही शुभ माना गया है। वैसे तो शनिवार को सरसों के तेल का दिया रखना ही चाहिए पीपल पर आज के दिन जरूर से रखें। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए हम पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री ये समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देंगे। और इस तरह से हाथ में पुष्प चावल लेकर हम शनिवार त्रयोदशी को जो शनि प्रदोष व्रत की कथा हम पढ़ लेंगे। और इसके बाद अब हम छोटा सा हवन करेंगे। ये हवन पात्र को इस तरह से चावलों का आसन दे रही हूँ मैं, और पात्र को मैंने टीक लिया है, इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है, कपूर का हवन कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो गाय के उपले का भी हवन कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में कपूर का विशेष महत्व होता है, आप चाहें
सात पाँच नौ ग्यारह कितनी भी आहुतियाँ जितनी आपकी इच्छा है उतनी दें। और इस तरह से काले तिलों का भी हवन करना है हमें, काले तिल भी आहुति में डाल लें हैं, और जो भी भगवान को भोग चढ़ाया है उसकी भी पांच आहुतियाँ इस प्रकार से डालें। हवन के द्वारा दी गई आहुतियाँ भगवान को सीधे स्वीकार होती हैं। और इस तरह से अब हम कपूर आरती कर लेंगे और फिर इसके बाद कुछ दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में हुई किसी भी प्रकार की कमी वो सारी पूरी हो जाती है। और इस तरह से फिर तीन बार जल की फेरी देकर आचमन कर लेंगे, पूजा का शुद्धिकरण कर लेंगे और भगवान से भोलेनाथ से किसी भी प्रकार की हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। अगर हमसे पूजा में कोई भूल हो गई है तो भोलेनाथ हमें क्षमा करें। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।